हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, यहां पे आपको कोटा की सबसे बेस्ट टीम पढ़ाने के लिए तैयार है जो ओलंपियाड से लेकर के स्कूल लेवल तक पूरा का पूरा कवर अप करेगी। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसका आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आगे स्किप करते हुए चले जाएं, ऐसा नहीं करना है बेटा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपको स्टडी मटेरियल या डीपीपी वगैरह की अगर नीड है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पाथ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये 6th क्लास के लिए है बेटा, t.me/ttb0646 class। 7th क्लास के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। नाउ जो आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। मैं जानता हूं न्यूट्रिशन का नाम सुनते ही मजा आ रहा होगा, है ना। न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता भी होगा कि क्या होता है न्यूट्रिशन। कहने का मतलब हेल्दी रहना है भैया। अगर हेल्दी रहना है, कहने का मतलब ये है हेल्दी भी रहना है प्लस हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करनी है, डेवलपमेंट भी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, वो है कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। बिल्कुल जरूरी है भैया, ऐसी बात है कि आपको ये लेक्चर सुनना है प्लस अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एक स्मार्ट स्टूडेंट बन करके दिखाना है, ठीक है। देखिए, जो हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे वो है न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया है? बिल्कुल होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको न्यूट्रिशन से, भाई न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं हम लोग? हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है। एक बार बताओ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हम लोगों को, हमारी बॉडी एनर्जी, अगर हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? सीधी सी बात है भाई, जब तक कुछ मिलेगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, मुझे कोई सी भी एक्टिविटी करनी हो, उस एक्टिविटी के लिए मुझे किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी मुझे किससे मिलेगी बेटा? वो एनर्जी मुझे मिलेगी न्यूट्रिशन से। कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं भाई, जो फूड हम खा रहे हैं उसी से तो हमें एनर्जी मिलेगी और उसी से हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिशन मिलेंगे। आज के जो लर्निंग आउटकम्स है वो है इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, क्या होता है न्यूट्रिशन? मैं आपसे जनरली पूछूं कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, क्यों ले रहे हो आप, मुझे बताओ भाई न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं हम लोग, फूड क्यों ले रहे हैं? भाई मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आप फूड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? फूड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में क्या रहे? एनर्जी रहे, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ बनी रहे। सही बात है भाई। अगर एक बात बताओ, अगर मेरी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? पढ़ाई में कमजोर रहूंगा, अदर एक्टिविटीज में भी कमजोर रहूंगा और मेरे को पीछे छोड़ करके कई बच्चे जो है, या आपको छोड़ करके कई बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। एक बार बताओ, आपकी बॉडी के अंदर डेली के डेली कई सारी सेल्स डैमेज होती हैं और रिपेयर होती हैं। ये रिपेयरिंग का काम जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। अब एक बार बताओ, अगर ये सारे के सारे न्यूट्रिशन आप लेना बंद कर दोगे तो क्या होगा? धीरे 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 हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और धीरे धीरे जब हमारी बॉडी वीक हो जाएगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और एक बात बताओ, धीरे धीरे जब आपकी बॉडी वीक होने लग जाएगी, एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्या होगा? बताओ 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 भाई, पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर चलती रहे, आपका डेवलपमेंट प्रॉपर होता रहे, आपकी मेंटल जो एक्टिविटीज है या मेंटल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं वो भी प्रॉपर बनी रहे। भाई देखा होगा आप लोगों ने, जो बच्चे
प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर फूड ले रहे हैं, प्रॉपर एनर्जी को ले रहे हैं, वो प्रॉपरली अपना काम कर भी रहे हैं और प्रॉपरली वो लोग रिजल्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें एक प्रॉपर स्टूडेंट बनना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि मेरे को अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक मुझे अगर मान लीजिए रन करना है, जंप करना है, वॉक करना है, या स्विम करना है, या कोई सी भी अदर एक्टिविटी करनी है, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और वो न्यूट्रिएंट्स मुझे किससे मिलेंगे? ऑब्वियसली फूड से मिलेंगे, ठीक है ना। और फूड क्या है? न्यूट्रिशन ही तो है। एक बार बताओ, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेरी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करेंगे। क्या करेंगे? मेरी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करेंगे। इसके अलावा टू यूज न्यूट्रिएंट्स द बॉडी मस्ट फर्स्ट गेट फूड and then the food must be broken down to provide energy। और ये जो nutrients होते हैं, ये क्या होते हैं? एक soluble form में convert हो जाते हैं और हमारी body को क्या provide करते हैं? Energy provide करते हैं, ठीक है। The process by which the body obtain food and utilize the nutrients present it is called nutrition। देखिए एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो nutrients होते हैं ये सभी क्या होते हैं? एक सोल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर वो ऐसा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? सोल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और वो सोल्युबल फॉर्म में चेंज होने के बाद में हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सही बात है सर, एक बार बताइए न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन क्या है? हमारा फूड है। कहने का मतलब ये है कि उस फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और उस एनर्जी से हमारी बॉडी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब एक बार बताओ, अगर मैं न्यूट्रिशन की अगर मोड की बात करता हूं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूं, तो टू टाइप के होते हैं। एक तो आपने सुना होगा ऑटोट्रॉफिक, और नेक्स्ट होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मीनिंग क्या होगा? जो सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है जो फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा कि कभी इनके पास में कोई टिफिन देने आ जा रहा है या यहां से कोई टिफिन लेकर के जा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। कहने का मतलब यह है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ऑटोट्रॉफिक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेटरोट्रॉफिक, आपकी या मेरी बात करता हूं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है। तो हम जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो है हमारा हेटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। क्या है पोषक तत्व? न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं, न्यूट्रिएंट्स देखिए, न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन हमें किससे मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की मैं बात कर रहा हूं। जो पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी के लिए एक ऐसे अमाउंट में जरूरत रहती है ताकि हमारी बॉडी जो है टाइम टू टाइम ग्रोथ करती रहे। भाई एक बार बताओ, आप जब छोटे थे, आज छोटे से आज बड़े हो गए और बड़े हो रहे हो, आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है? वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से कर रही है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो टाइम टू टाइम आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अ सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? नरिशमेंट पोषक पदार्थ जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। अ सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा जीवन है उसकी ग्रोथ के लिए जो पोषक पदार्थ हैं वो किनसे मिलेंगे? हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 कैटेगरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं गुड न्यूट्रिएंट्स एंड पोअर न्यूट्रिएंट्स। एक बार बताओ, गुड न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? भाई जब मैं गुड न्यूट्रिशन ले रहा हूं तो मेरी बॉडी क्या होगी? प्रॉपर डेवलप होगी, ठीक है। मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा प्रॉपर करूंगा, मैं स्टडी भी करूंगा प्रॉपर करूंगा, ठीक है ना। और उसका रिजल्ट भी क्या होगा? गुड होगा, ठीक है ना। अगर मैं पुअर डाइट ले रहा हूं या पुअर न्यूट्रिशन ले रहा हूं तो क्या होगा? एक बार बताओ,
मेरी बॉडी की जो इम्यून पावर है या इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी सडन एनवायरमेंट चेंज होता है तो आपने देखा होगा कई बच्चों की जो है तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि इम्यून पावर जो है या इम्यून सिस्टम जो है उनका क्या है, वीक है। वो वीक किस वजह से है? वो वीक कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की वजह से भी है। अगर मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा हूं ना, अगर मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा हूं ना, तो मेरी बॉडी कहीं ना कहीं क्या किसी ना किसी हद तक किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक वीक और बिल्कुल पुअर न्यूट्रिशन ले रहा हूं तो मेरी बॉडी लड़ ही नहीं पाएगी। सही बात है। एक बार बताओ, अगर मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फेस करना है तो मेरे को प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। हमारी जो सेना है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है किसी से भी लड़ने के लिए। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी की जो सेना है वही वीक हो जाएगी तो कोई सी भी बाहर की जो डिजीज आएगी वो मुझे जल्दी से बीमार कर देगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट क्या रहेगा, गुड रहेगा। और अगर पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमारा इम्यून पावर क्या होगा, वीक होता चला जाएगा। और हमारी पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं डाइट और न्यूट्रिशन। भाई एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, डाइट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइट में आपने सुना होगा जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, वो हम सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन में हम ओनली न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड को इंक्लूड करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को क्या मिलते रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। क्या मिलते रहे बेटा, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। डाइट में क्या है, डाइट हमारी तीन टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। सवेरे उठेंगे तो ब्रेकफास्ट, दिन में लंच और रात को डिनर। और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए न्यूट्रिशन में हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिंस एंड मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमने हमारी डाइट को प्लान किया हुआ है वो किसमें की प्लान किया हुआ है, थ्री टाइप में। एक है हमारा ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट है लंच और तीसरा है डिनर। यहां पे आपको बात समझ में आ रही है ना, डाइट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं, न्यूट्रिशन में हम एक स्मॉल अमाउंट या प्रॉपर अमाउंट की बात करता हूं मैं, एक प्रॉपर अमाउंट में हम क्या देते हैं उस बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी क्या रहे, एक प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ करे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक बार बताइए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप के। फर्स्ट होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंड होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या कर रहे हैं, नाम से ही शो हो रहे हैं कि मैक्रो का मीनिंग क्या हुआ, मैक्रो का मीनिंग हो गया लार्ज अमाउंट में। कहने का मतलब यह है कि मुझे ज्यादा चाहिए, भाई मेरी बॉडी को क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फाइबर है, प्रोटीन है और वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं माइक्रो। माइक्रो नाम से शो रहा है, छोटा सूक्ष्म, मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। चाहिए तो सही, एक बार बताओ इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रो कुछ ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए तो भाई लेंगे नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि डॉक्टर खुद के देगा और बाहर मार्केट के अंदर से क्या होगा फिर हम लोगों को, विटामिन की जो आपने देखा होगा गोलियां वगैरह जो होती है, मेडिसिन वगैरह जो होती है वो हमें परचेस करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ी सी ही अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर हमारे किस किस को इंक्लूड करते हैं, मिनरल्स एंड विटामिंस, मिनरल्स एंड विटामिंस। ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने बात करी थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक बार बताओ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए कम अमाउंट में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए ज्यादा अमाउंट में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने जो सबसे पहले पढ़ा है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। एक बार बताओ क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फटाफट ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जो जितने भी प्लेयर्स वगैरह हैं या एथलीट वगैरह की हम बात करते हैं, इनकी बॉडी में किसकी जरूरत होती है, हमेशा इनकी बॉडी को हमेशा एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ग्लूकोज वगैरह या कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह या कुछ ना कुछ चोकोस वगैरह लेते रहते हैं। क्यों,
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के जल्दी से सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने की कोशिश करता है, या कोशिश नहीं पूरी की पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, वो पूरा का पूरा हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट। क्या होते हैं फैट? देखा होगा आप लोगों ने, फैट का जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा लेट होता है, और लेट होने की वजह से क्या होता है, जब तक हमें क्या लग जाती है, भूख, ठीक है, और हम क्या करते हैं, खाना खाना वापस स्टार्ट कर देते हैं। एक बार बताओ, हमारी बॉडी जब तक फैट का डाइजेशन करने वाली होती है तब तक हम क्या कर लेते हैं, वापस खाना खा लेते हैं। और तभी हमारे, या हम ह्यूमन की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने देखा होगा किसी की बॉडी क्या हो जाती है, फैटी, और देखा होगा वो फैटी बॉडी क्यों है, क्योंकि भैया जब तक फैट का डाइजेशन होने वाला था, जब तक फैट का डाइजेशन होने वाला था तब तक तो उसने क्या करा, दोबारा ही खाना खा लिया, ठीक है ना। और वो फैट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होता चला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोटे लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी सर्दी कम लगती है, उसका रीजन क्या होता है, वो फैट है। फैट क्या करता है, अंदर ही अंदर वार्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, इसी वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स? जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन बहुत जरूरी है। एक बार बताओ, अगर मुझे एक मसल्स वगैरह शानदार बॉडी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। दूध वगैरह है, पनीर वगैरह, इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं विटामिंस। विटामिंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपने देखा भी होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वॉटर, वॉटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वॉटर के बिना तो हमारी बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वाटर से ही जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, जितना भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मीनिंग सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी की ऑल वाइटल एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या हो गया बेटा, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है हमारे पास में, मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मीनिंग है वाइटल एक्टिविटीज। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो जितनी भी रेस्पिरेशन वगैरह जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी हमारी बॉडी को, वाटर की जरूरत रहेगी। ध्यान सुना, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है उसके लिए किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बताइए। एक बार बताओ, आपने सुना होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार बताओ, ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या हुआ? ऑटो का मीनिंग क्या है? ऑटो का मीनिंग है सेल्फ। ऑटो का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मीनिंग क्या हो गया? सिंथेसाइज करना या नरिशमेंट करना, ठीक है। ट्रॉफिक का मीनिंग फूड हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 एंड H2O आर कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। देखा होगा आपने सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या खाने के लिए? नहीं ना, मैंने तो आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। आपने देखा होगा अपना फूड खुद ब खुद बनाते हैं, ठीक है, और फूड बनाने के बाद में, और एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो ये फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिख करके बताना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं वो प्रोसेस आपको मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्या मैं मोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी क्लासिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और नेक्स्ट होता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। ध्यान से सुनिएगा, फोटो का मीनिंग मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। व्हाट इज फोटो? फोटो का मीनिंग आपने
फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फोटो का मीनिंग क्या है? फोटो का मीनिंग है लाइट, जो सनलाइट को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं। और सनलाइट को यूज कौन कर रहे हैं? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। भाई ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट का यूज करते हैं, और लाइट का यूज करने के बाद में क्या करेंगे? लाइट का यूज करने के बाद में क्या करेंगे? अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे। कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे, ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। और कीमो ऑटोट्रॉफ, कहने का मतलब ये हो गया केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड। केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं, फूड के लिए वो किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहां तो क्या हो रहा था? वहां तो वो सनलाइट को यूज करके अपना फूड बना रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में H2S सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑटोट्रॉफिक, सॉरी हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स की अगर मैं बात करता हूं, कार्निवोर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? कार्निवोर्स जो होते हैं वो सारे के सारे फ्लैश वगैरह या मीट वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोर्स की अगर मैं बात करता हूं, डॉग ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्लैशी फूड भी खाते हैं और प्लांट्स वाले फूड भी खाते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बींग या फिर डॉग वगैरह, आपने देखा होगा डियर वगैरह भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, कार्निवोर्स के बाद ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स के बाद में मैं बात करता हूं डेट्रिटिवोर्स। व्हाट इज डेट्रिटिवोर्स? डेट्रिटिवोर्स का सीधा सा मीनिंग होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कौन होता है? अर्थवर्म वगैरह हो गया अपन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं सैंगिवोर्स। सैंगिवोर्स क्या होते हैं? जो ब्लड लेने का काम करते हैं। और ब्लड आपने देखा होगा जो मॉस्किटो वगैरह वो क्या करते हैं? ब्लड ही तो लेते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्लड वो लेगा नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना बैठा है, ब्लड ले रहा है। ठीक है, मॉस्किटो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। फर्गीवोर्स की अगर मैं बात करता हूं, जो फ्रूट्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? जो फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसे क्या कहा जाएगा? फर्गीवोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं पैरट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इंसेक्टिवोर्स। कहने का मतलब ये हो गया जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स को ले रहे हैं। और आपको बहुत अच्छा एग्जांपल पता होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, पिचर प्लांट्स, ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखा होगा आपने जो भी इंसेक्ट इनके ऊपर जाकर के बैठता है वो फटाफट से इसको क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। और ट्रैप करने के बाद में उसके पास जितना भी न्यूट्रिशन होगा लेने के बाद में उसको फेंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पे आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा जो आपको जज करना है कि ये ओमनीवोर्स है या कार्निवोर्स है या सैंगिवोर्स है या ओमनीवोर्स है। फटाफट फटाफट बताइए मुझे। देखिए, आपको आराम से यहां पे लॉयन टाइगर देखने को मिल रहा होगा, क्या ये ओमनीवोर्स है? बताइए। नहीं है ना, काउ है वो, क्या है? फटाफट से बताइए। देखिए, अगर मैं लायन की बात करता हूं, लायन क्या है? कार्निवोर्स। बिल्कुल कार्निवोर। ठीक है, अगर मैं काऊ वगैरह की बात करता हूं तो ये क्या है? हर्बीवोर्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, हर्बीवोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कौन सा प्लांट है? इंसेक्टिवोर्स। ध्यान से सुनना, देखो प्लांट जो है इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स हो गया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के हमने किसके अंदर लिया था? ओमनीवोर्स। किसके अंदर लिया था बेटा? ओमनीवोर्स के अंदर। किसके अंदर? ओमनीवोर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में है इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है तो इंसेक्टिवोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये भी? इंसेक्टिवोर्स। क्या हो जाएंगे? सॉरी, इंसेक्टिवोर्स हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा? इंसेक्टिवोर्स हो जाएगा। अब आपको इजीली पता चल रहा है ना कि इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं और सैंगिवोर्स क्या होते हैं और फर्गीवोर्स क्या होते हैं। ठीक है, इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पे जो स्लाइड देखने को मिल रही है इसमें भी हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो इजीली शो कर रहे हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं और हम इजीली बता सकते हैं कि वो हेटरोट्रॉफिक में किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहां पे आपको इंसेक्टिवोर्स प्लांट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो हॉर्स है वो हर्बीवोर्स है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे जो लॉयन है वो किसके साथ में है, क्रोकोडाइल के साथ में लड़ रहा है, तो कौन सा हो गया ये, कार्निवोर्स हो गया। और यहाँ पे अगर हम डॉग की बात करते हैं, ये डॉग क्या कर रहा है आप देखना, डॉग हम जब घर पे रहते हैं या घर पे आजू बाजू के आसपास में जो डॉग वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी चपाती वगैरह भी खा लेता है और फ्लैश वगैरह भी इजीली खा सकता है। ठीक है, हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि हर्बीवोर्स क्या है, इंसेक्टिवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है और ओमनिवोर्स क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन से इसी चैप्टर से। क्या आप यहां पे मुझे बता सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद, एक मिनट इस क्वेश्चन को आप यहां पे स्किप कर दीजिए, ये वाला जो है अपन आगे ले लेंगे, ठीक है आ जाएगा, डोंट वरी। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अभी पढ़ा है क्या हमने, बिल्कुल ये भी क्या है एक न्यूट्रिशन का ही टाइप है, सेप्रोट्रोफिक बिल्कुल है, ठीक है हिट्रोट्रोफिक बिल्कुल है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या है, डी आंसर हो जाएगा इसका, क्या है डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट इज गिवन इन द इमेज, कौन सा है ये बताइए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये वाला प्लांट पढ़ा है, किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इंसेक्टिवोर्स के अंदर आएगा, हर्बीवोर्स के अंदर आएगा, ऑटोट्रोफिक के अंदर आएगा या ऑल ऑफ दिस के अंदर आएगा, भाई इंसेक्ट खा रहा है ना तो कौन सा हो गया, इंसेक्टिवोर्स हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग, क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहला जो वर्ड आया था वो था होलोजोइक। ठीक है, यहां पे हम एक बार देखते हैं क्या है होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग में, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है हमारा होलोजोइक। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को आप यहां पे देखने के अलावा सेवंथ क्लास में देखने के अलावा टेंथ क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एज इट इज ये वैसे का वैसा ही इसका इंट्रोडक्शन है, एज इट इज वहां पे भी ये की यही चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अगर टेंथ क्लास के बच्चे को पूछा जाएगा ना होलोजोइक नहीं बता सकता, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ध्यान से सुनना, होलोजोइक का मीनिंग क्या है, होलोजोइक यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर में क्या आएगा, अमीबा, ठीक है, जो एक सेल होती है वही सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान से सुनना, जो एक सेल है वो सभी वाइटल एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कहने का मतलब ये है उसी को ही क्या करना है, फूड को एनगल्फ करना है, रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है और एस्क्रीशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो है हमारे पास में होलोजोइक। क्या है होलोजोइक, होलोजोइक का सीधा सा मीनिंग मैं बताता हूं आपको, खाना खाना, डाइजेस्ट करना और एस्क्रीट करना। ध्यान से सुनना, खाना खाना, पचाना और एस्क्रीट करना। एक बार फिर होलोजोइक का मीनिंग क्या है, खाना खाना उसको डाइजेस्ट करेगी, भाई वो डाइजेस्ट करने का काम तो हमारी बॉडी का है, या यूनिसेल्यूलर की अगर अपन बात करते हैं तो वो एक सेल है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसको एस्क्रीट करना। ठीक है, ये सीधी सी बात होती है होलोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक में क्या होता है, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, उसी के ऊपर वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। डेड एंड डिकेइंग कहने का मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करके अपना फूड लेते रहते हैं। ठीक है ना, पैरासाइटिक की अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म वगैरह है, ये क्या करते हैं अपना फूड लेने के लिए किसी ना किसी प्लांट के ऊपर उसको हॉस बना करके और खुद गेस्ट की तरह वहां पे चिपक जाते हैं और अपना फूड लेते रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पैरासाइट। और एक बार बताऊं मैं आपको, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दिस इज आल्सो नोन एज प्लस माइनस प्रोसेस, प्लस माइनस प्रोसेस। एक बार बताओ प्लस माइनस प्रोसेस क्यों कहा गया है यहां पे, मुझे आप एक बात बताइए, प्लस माइनस प्रोसेस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने प्लस माइनस प्रोसेस क्यों कहा है। एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो प्लाज्मोडियम है या मॉस्क्यूटो वगैरह की अगर मैं बात करता हूं वो क्या करता है, आपकी बॉडी पे आएगा। भाई हॉस्ट और गेस्ट की अगर मैं बात करूं, क्या हम यहां पे इसको हॉस्ट और गेस्ट वाले रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे देखना आप, जो कसकटा प्लांट होता है वो क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर के अपने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सक करता रहता है और
इजीली वहां पे डेवलप होता रहता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं मॉस्किटो की, बाहर से कोई मॉस्किटो आया और उसने आपको काटा, तो उसको तो क्या हो गया, प्लस, और आपको क्या हो गया, माइनस। एक बार बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई उस मच्छर को मार करके आप, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। तो कहने का मतलब, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज प्लस माइनस प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का सीधा सा मीनिंग होता है आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। आपको क्या फायदा है, आपको घर बैठे कोटा की बेस्ट टीम पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। और मुझे क्या फायदा है, मुझे ये फायदा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, ये तो एक जोक था, देखिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का सीधा सा मीनिंग होता है कि आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का सीधा सा मीनिंग है कि तुझे किसी चीज की जरूरत है मैं दूंगा, और मुझे किसी चीज की जरूरत है तू देना, ठीक है। कहने का मतलब है टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन एंड आर ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। देखिए, खुद का म्यूचुअल बेनिफिट है एक दूसरे के साथ में रहने का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, एंड दिस प्रोसेस, इस वाइटल एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, सिम्बायोसिस एसोसिएशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में लाइकेन। क्या है लाइकेन, ध्यान से सुनना बेटा। लाइकेन, जो क्वेश्चन हमने एक स्किप किया था, एक बार हम वापस उसके ऊपर चलते हैं, जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टीसेल्यूलर हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें किसमें प्रेजेंट होगा, एग्जांपल याद करो, याद करो, याद करो फटाफट फटाफट। पैरामीशियम है, हाइड्रा है, अमीबा है, मॉस्किटो है, किसके अंदर? मैंने आपसे कहा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होगा, अमीबा। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए बेटा। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिला है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ में कितना जुड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।